इधर मैं बैठूंगा, उधर मेरा बैग और ये मेरा सेटअप। ला लिया है ब्रेड बटर भुजिया से चिली राइस, घर जाता हूँ और देखते हैं अभी खाना है कि नहीं। वैसे अभी तो भूख नहीं है, चलिए देखते हैं पर भी क्या सुनते हैं। काम करना है बस थोड़े, जो भी बोलेंगे अब घर पर, क्योंकि मम्मी भी नहीं है ना। सो गाइस, फिलहाल ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने, ब्रेड बटर भुजिया से हूँ। चलिए गाइस अभी काम कर लेते हैं, नहा लेते हैं। अभी नहा कर डायरेक्ट काम करेंगे, पढ़ना है जो भी करना है, क्योंकि 1 o'clock सर आएंगे ना, 1 o'clock से 4 o'clock तक ट्यूशन पढ़ना है। ओके तो चलिए अब मैं गीजर खोल देता हूँ, आपसे नहा कर मिलता हूँ। A few moments later. So guys, नहा कर आ गया हूँ मैं और अब टाइम हो रहा है 11:22। अब ये बैकग्राउंड अच्छा है ना गाइस, इधर से विंडो दिखेगी खाली, वो सब डंजो डेली सब कार्टून नहीं दिखेंगे, अच्छा है ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए गाइस, फिलहाल अभी हम लोग मैक्स करेंगे। कल सर ने थोड़ा बहुत होमवर्क दिया था, ट्यूशन सर ने, वो कर लेते। खाली 3 सम है बस, कुछ भी नहीं हो रहा, 3 सम कर लेते हम लोग। 1 o'clock आएंगे ना सर, और 12 o'clock मेरी एक वेबिनार है गाइस, मैंने कल रजिस्टर किया था, करियर काउंसलिंग के ऊपर है गाइस, करियर काउंसलिंग क्या लेना है 12th के बाद वगैरह वगैरह। ओके चलिए फिलहाल तो सबसे पहले मैच स्टार्ट कर लेते हैं। Meanwhile, so guys, फिलहाल अब टाइम हो रहा है 11:56। चलिए गाइस, 4 मिनट है हमारी करियर काउंसलिंग क्लास को, वो मैथ्स के सम होमवर्क मैंने किए नहीं गाइस, देख लिए है, इजी चाहे वो कर लेंगे बाद में। फिलहाल तो अब 4 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर क्लास ज्वाइन करना है ना, वो मुझे तो पता नहीं कौन कौन आएगा दुनिया में से, कोई आएगा अभी नहीं या फिर मैं अकेला रहूँगा। अच्छे तो आएंगे, चलिए देखते हैं, पर जिनको मैं जानता हूँ एक भी नहीं आ रहा है। ओके 3 मिनट यही नहीं, अभी और सुनिए। सो गाइस, मैंने तो वेबिनार छोड़ दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मिनट किया मैंने, छोड़ दिया मैंने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस, क्या क्या तो भी बोल ले रही है वो मैम। चलिए गाइस, अब फिलहाल मेरे पास 50 मिनट्स है 5:00 ट्यूशन सर आने के लिए। क्या करते हैं गाइस, बोर हो रहा है मुझे, इंट्रो आउट्रो बनाना है ना गाइस, इंट्रो आउट्रो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा था मैं, इंट्रो आउट्रो डाउनलोड करना है मुझे अब तो, मेरे गूगल फोटोज़ में है कैसे तो भी, तो करेंगे बाद में करेंगे, आराम से आज ही करेंगे, मतलब करेंगे शाम में करेंगे, अभी नहीं। अभी क्या करते हैं गाइस, बोर हो रहा है मुझे, रेस्ट ले लेते हैं, टाइम पास कर लेंगे थोड़ा। चलिए गाइस, तो मैं आपसे डायरेक्टली 4 बजे मिलूँगा ट्यूशन होने के बाद, क्योंकि पता नहीं अब रेस्ट कितनी देर करूँगा, फिर सर भी आ जाएंगे ना। ओके 2000 years later. सो गाइस, फिलहाल अब टाइम हो रहा है 1:45, अभी तक सर आए नहीं हैं, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, हमको सिखा रही है। सर का मैसेज आया है कि सर आने से पहले कॉल करेंगे, अब क्या है गाइस, क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा, नींद भी आ रही है, अगर मैं सो गया तो फिर सर आ गए तो नींद ख़राब हो जाएगी, क्या है यार ये आखिर, कितना टाइम रुकना पड़ेगा, जब से मैं बैठा सो उधर, जब से मैं नहा कर आया हूँ, जब से बैठा सो बस, अब क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लंच कर लेते गाइस, एक काम करते नहीं तो ट्यूशन के बीच मुझे पक्का भूख लगेगी। मुझे क्या होता है मालूम है गाइस, संडे मुझे भूख लगती है बहुत, बाकी के नॉर्मल डेज होते हैं ना मुझे भूख ही नहीं लगती है। अब देखा कल मैंने सुबह खाया था और डायरेक्ट रात में खाया था, अब और आज सुबह अभी जस्ट शायद 3 या 4 घंटे हुए ब्रेकफास्ट करके मुझे फिर भूख लग रही है। संडे मेरे साथ ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ। चलिए अब जाते हैं, देखते हैं लंच में क्या है,
खा लेते हैं लंच, ऑप्शन नहीं है ना अपने पास और कोई। अभी हम दिल्ली में और आज हम जा रहे हैं एक बहुत स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए जिनको आप जानते होंगे। गाइस अपनी आ रहे हैं सर, मेरी अभी सर से बात हुई, सर ने कहा कि उन्हें टाइम लगेगा घंटा या डेढ़ घंटा, तो अभी टाइम हो रहा है 2:15। अभी जस्ट लंच भी किया है मैंने दाल चावल, डेढ़ घंटा बोले तो 2:15 3:15 चार बजे तो मैंने बोला सर अब आके फ़ायदा नहीं है 4 बजे, कल या परसों आते, बोले सर। चलिए गाइस फ़िलहाल तो मैं लैपटॉप बंद करता हूँ और देखते हैं क्या करना है। एक सेकंड पहले लैपटॉप बंद कर देते हैं। अरे ये माउस को क्या हो गई? हाँ ये मैंने कर दिया है बंद। चलिए गाइस अब देखते हैं क्या करना है, टीवी देखना पड़ेगा, अभी तो और कुछ कर नहीं सकते, जो भी करना है शाम को करेंगे। ओके चलिए, थैंक यू सिंबा, बाय बाय। Later that same evening. So guys, फिलहाल अब टाइम हो रहा है शाम के, मतलब रात के 7:15। टीवी देख रहे थे, लैपटॉप पे देख रहा था, फिर टीवी देख रहा था, फिर सोफे पे बैठ गया। मतलब संडे मेरा इतना बोरिंग जाता है ना गाइस, सच्ची में। बाकी दूसरे दिन बोरिंग नहीं जाता, खाली संडे बोरिंग जाता है। अब गाइस सीन कुछ भी नहीं है, मतलब बाहर से नहीं मंगा रहे खाना, मतलब डैडी और जीजी बाबा जी ये तीन मंगा रहे हैं बस, मैंने खा रहा हूँ, बाहर का मन नहीं है। मैगी बनाएंगे गाइस, बहुत टाइम हो रहा मैगी खाने का मन कर रहा है। सोचा था कुछ बाहर से चाट वाट खा लेंगे, रगड़ा समोसा पाव भाजी वगैरह, पर जाके लाना या फिर ऑर्डर करना छोड़ दीजिए, लाइट ले लीजिए, बाहर का नहीं खाना है, मन नहीं कर रहा है बाहर खाने का, पता नहीं क्या हुआ। मैगी बनाते हैं, क्रिसमस है ना, क्रिसमस स्पेशल मैगी बनाएंगे आज। ओके चलिए। सो गाइस ये रही हमारी मैगी, ये प्याज, ये कैप्सिकम, ये टमाटर और ये ऑर्गेनो है गाइस, पिज्ज़ा ऑर्गेनो, पर मैं मैगी में डालता हूँ। ये मैगी मसाला और ये चीज़, कॉर्न नहीं है गाइस, नहीं तो मैं कॉर्न भी डालता था। अब गाइस हमें कढ़ाई चाहिए है, कढ़ाई ये नहीं, इसको इधर रख देता हूँ। अरे कढ़ाई इसके नीचे, एक मिनट, ये रही गाइस कढ़ाई। अब मैं इसको रखता हूँ यहाँ। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। अम्मा ये रहा तेल, थोड़ा सा बस, इतना तेल काफी है गाइस। अब इसको वापस इधर रख देता हूँ, का कैप ये रहा। इसे करते हैं बंद, गैस को करते हैं ऑन। अब बारी है राई की गाइस, ये मैं इधर रखता हूँ, ये भी इधर रखता हूँ, खोलता हूँ मैं, खुल जा भाई, खुल जा, खुल गया। अरे गजब बेइज्जती है, पोपट हो गया ये तो। हाँ इधर है, तो ये रही हमारी राई, इसको मैं डालता हूँ इसमें, ये मैं रखता हूँ, ये बंद करता हूँ, ये इधर और ये भी इधर। मुझे चलाने के लिए एक चमचा चाहिए, ये रहा चमचा। अब बारी है सब्जी की, तो चलिए गाइस अब सब्जी कट करते हैं। सो गाइस अब बारी है मैगी मसाला की, ये रहा हमारा मैगी मसाला।
तीन पैकेट गाइस, मैं दो पीस को तीन पैकेट लेता हूँ, दो पीस खाता हूँ ना पर तीन पैकेट लेता हूँ क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है ना। चलिए अभी तक कट कर लेता हूँ मैं। सो गाइस हमें इसके भी कट करने होते हैं ना, तो चलिए अब मैं इसके दो पीस कर लेता हूँ, दो पैकेट कट क्योंकि इसके दो पीस है ना, तो चलिए इसके दो पीस मैं कट कर लेता हूँ और इसमें मिक्स कर देता हूँ। सो गाइस हमारी सब्जी इधर कट गई है, चलिए अब मैं सब्जी इसमें डालता हूँ। सब्जी पूरी तरह से इसमें डल गई है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे गाइस, एक दो मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब्जी अच्छे से तेल में, मतलब वो थोड़ा तेल उसको सब्जी को लग जाए। ओके तो चलिए यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी है, अब इसे मैं मिक्स करते रहता हूँ। सो गाइस अब है पानी की ज़रूरत, ये छोटा कप, टोटल मैं दो कप लूँगा गाइस, दो कप से ज़्यादा ही लेते हैं गाइस क्योंकि आज मुझे थोड़ा मैगी पानी पानी खाने का मन कर रहा है, तो हर बार मैं थोड़ी घट मैगी खाता हूँ ना, तो तीन गिलास ले लेते, तीन गिलास और थोड़ा आधा गाइस। ओके चलिए ये मैंने ले लिया, अब गाइस ये पानी इसमें डाल देते, ये मैं डाल रहा हूँ पानी, अरे मुझे कम दिख रहा है गाइस, चलिए थोड़ा और पानी ले लेते, अरे वो कप शायद छोटा था गाइस, उससे बड़ा कप मैं साइज़ में लेता हूँ, चलिए पर भी कोई बात नहीं, ये मैं रखता हूँ इधर, पानी ले लेते हैं, ले लिया है पानी, चलिए अब ये जाके उसमें डाल देते हैं गाइस। अब हम गाइस इसमें मैगी मसाला डालेंगे, मैगी मसाला डालने के बाद ऊपर से मैगी के पीसेस डालेंगे। ओके चलिए सब बारी है हमारी मैगी की, ये मैगी मैंने तोड़ लिए है पीसेस में, अब मैं इसमें डाल देता हूँ और ये प्लेट को इधर बाजू में साइड में रख देता हूँ। चलिए गाइस अब इससे थोड़ा बहुत गर्म हो जाने दीजिए, मैगी को अच्छे से वाइट से येलो बन जाने दीजिए, हम जब तक इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ओके चलिए फिर हमारी मैगी तैयार हो जाएगी, उसके ऊपर हम ऑर्गेनो और चीज़ डालकर खाएंगे। 11 minutes later. ये देखिए गाइस ऐसी है कुछ इसकी शक्ल मैगी की। चलिए गाइस अब मैं इस ब्लॉग को इधर एंड करता हूँ, यही था मेरा क्रिसमस, बस कुछ भी नहीं, कुछ भी प्लान बना था न्यू ईयर पे करेंगे। ओके चलिए गाइस अब मुझे एडिटिंग करना है, खा के एडिटिंग पे लग जाते हैं। ओके और कल सुबह तो मम्मी आएंगे इंच, कल से गाइस थोड़ा ब्लॉग कम करूँगा मैं, हालाँकि मेरे ब्लॉग्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 31st तक, और अब ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ये आएगा 1st को, ऑलरेडी ये ब्लॉग थोड़ा बहुत बड़ा बन चुका है गाइस, देखते अगर हुआ तो मैं दो पार्ट में काट दूंगा, या फिर आज कुछ हुआ नहीं ना आपका खास तो एक ही पार्ट में कर देते हैं। चलिए चेंजेस मैंने कहा था ना गाइस चेंजेस आएंगे, तो एक चेंज आप लोगों ने अभी देखा, जस्ट मैंने थंबनेल और टाइटल बोल दिया है, अब ये रहेगा थंबनेल और टाइटल, ये है गाइस एक चेंज, अब मैं आपसे हर एक ब्लॉग में मेरे थंबनेल और टाइटल आपको बोल दूंगा। थंबनेल वैसे तो बोल नहीं सकते, थंबनेल दिखाना चाहिए, पर थंबनेल भी टॉपिक से रिलेटेड होता है ना, तो टॉपिक मैंने बोल दिया है आपको, क्रिसमस पे स्पेशल मैगी प्रिपेयर्ड बाय मी, नो स्पेशल मैगी प्रिपेयर्ड बाय मी ऑन क्रिसमस, ये रहेगा। ओके चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को इधर एंड करता हूँ, होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो इसे लाइक करना, पसंद ना आए तो भी लाइक करना। ओके एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो सब्सक्राइब करे सो होगे मुझे पता है, पर अपने फ्रेंड्स को भी बोलना सब्सक्राइब करो, फैमिली मेम्बर्स को बोलना सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ओके मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।